हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बॉक्स ऑफिस पर चल रही सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म तानाजी, आदित्य रॉय कपूर की फिल्म मलंग, वरुण धवन की फिल्म स्ट्रीट डांसर और सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इसी के साथ दोस्तों बात करने वाले हैं इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म लव आजकल के 7 दिनों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में भी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत कर ली जाए फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी की छुट्टियों में लगाया गया था। दोस्तों बता दें आपको कि यह फिल्म ABCD सीरीज का तीसरा पार्ट है, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3,700 स्क्रीन मिली थी। इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के उभरते हुए सुपर स्टार वरुण धवन, ब्यूटीफुल श्रद्धा कपूर, नोरा फतेही और काफी टैलेंटेड प्रभुदेवा सर नजर आए थे। वहीं इस फिल्म का डायरेक्शन किया था रेमो डिसोजा ने। दोस्तों इस डांस ड्रामा फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिले, साथ ही में क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को मिक्स रिव्यूज दिए। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ 26 लाख रुपए की शानदार कमाई की, लेकिन दोस्तों उसके बाद से इस फिल्म के कलेक्शन में कोई खास ग्रोथ नहीं देखी गई। इसीलिए दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में तो मात्र 56 करोड़ 77 लाख ही कमाए। हालांकि दोस्तों यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2020 में 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी फिल्म बनी। वहीं अगर बात करें यहाँ पर हम लोग इस फिल्म के सेकंड वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि सेकंड वीक में इस फिल्म के सामने 3 से 4 नई फिल्मों का कंपटीशन था। यही वजह रही कि इस फिल्म ने अपने सेकंड वीक में कमाए मात्र 14 करोड़ 59 लाख रुपए, वहीं अपने थर्ड वीक में कमाए मात्र 2 करोड़ 86 लाख रुपए। इस तरह से इस फिल्म का जो 3 हफ्तों का टोटल कलेक्शन था वो हो चुका था 74 करोड़ 22 लाख रुपए का। अब बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के फोर्थ वीक कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म ने अपने फोर्थ वीक में भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास होल्ड नहीं किया है। इस फिल्म के सामने तानाजी और मलंग जैसी बड़ी फिल्मों का कंपटीशन है। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने फोर्थ वीक में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाए है मात्र 1 करोड़ रुपए। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है 75 करोड़ 32 लाख रुपए का। वहीं अगर बात करें हम लोग इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ओवरसीज से इस फिल्म ने कमाए है मात्र 15 करोड़ रुपए, वहीं ऑल इंडिया ग्रॉस पर इस फिल्म ने कमाए है 88 करोड़ रुपए। इस तरह से इस फिल्म का टोटल कलेक्शन होता है लगभग 103 करोड़ रुपए का। और लगभग 100 करोड़ के बजट से बनी सुपरस्टार वरुण धवन की यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई है। आपको दोस्तों यह फिल्म कैसी लगी आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब यहाँ पर बात की जाए दोस्तों दूसरी फिल्म मलंग के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पिछले हफ्ते रिलीज किया गया था। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म को भी ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2200 से 2500 स्क्रीन मिली थी और इस फिल्म के लीड में आपको काफी टैलेंटेड आदित्य रॉय कपूर, ब्यूटीफुल दिशा पाटनी, अनिल कपूर सर और कुणाल खेमू नजर आए थे। मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन 6 करोड़ 71 लाख रुपए की कमाई की, जो कि 2020 की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग थी। साथ ही में आदित्य रॉय कपूर के कैरियर की सोलो में सबसे बड़ी ओपनिंग बनी। बाद में दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई, क्योंकि इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले, साथ ही में क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग्स दी। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 8 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए, वहीं अपने तीसरे दिन कमाए 9 करोड़ 76 लाख रुपए। अपने शुरुआती 3 दिनों में लगभग 25 करोड़ की कमाई करने के बाद इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में काफी शानदार होल्ड किया और कमाए 39 करोड़ 65 लाख रुपए। इस तरह से दोस्तों आदित्य रॉय कपूर की फिल्म मलंग इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक हिट ट्रेंड कर रही थी। बात करें यहाँ पर इस फिल्म के सेकंड वीक की, तो दोस्तों सेकंड वीक में भी इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार होल्ड किया। अपने 8वें दिन इस फिल्म ने कमाए 2 करोड़ 25 लाख रुपए, 9वें दिन कमाए 2 करोड़ 52 लाख रुपए, वहीं अपने 10वें दिन कमाए 3 करोड़ 25 लाख रुपए। इस तरह से यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 45 करोड़ का आंकड़ा पार करते हुए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट हो चुकी थी। बात करें इस फिल्म के विगड़ेस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने 11वें दिन भी काफी अच्छा होल्ड किया और कमाए 1 करोड़ 53 लाख रुपए, 12वें दिन में कमाए 1 करोड़ 49 लाख रुपए, वहीं दोस्तों 13वें दिन में कमाए हैं 1 करोड़ 30 लाख रुपए। आज भी दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन है वो लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आ रहे हैं। इसी के साथ यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ 40 लाख की कमाई के साथ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2020 में
50 करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली तीसरी फिल्म बन चुकी होगी। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के ओवरसीज की, तो दोस्तों ओवरसीज से इस फिल्म ने कमाए हैं 9 करोड़ रुपए। वहीं ऑल इंडिया ग्रोस पर इस फिल्म का कलेक्शन रहा है 63 करोड़ रुपए का। इस तरह से इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है लगभग 72 करोड़ रुपए का। और लगभग 45 करोड़ के बजट से बनने वाली यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म बन चुकी है। बताते चले दोस्तों आपको कि तानाजी के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अगर कोई फिल्म हिट हुई है तो वो रही है मलंग। बात की जाए यहाँ पर तीसरी फिल्म लव आजकल 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जैसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसी हफ्ते रिलीज किया गया है। दोस्तों बता दे आपको कि एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कार्तिक आर्यन, ब्यूटीफुल सारा अली खान, रणदीप हुड्डा और आरुषि शर्मा नजर आई है। इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो 12 करोड़ 40 लाख रुपए की धमाकेदार ओपनिंग ली। दोस्तों ये फिल्म 2020 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई और इस फिल्म ने स्ट्रीट डांसर और मलंग जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से नेगेटिव रिव्यूज मिले, साथ ही में क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को नेगेटिव रेटिंग्स दी। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म के जो सेकंड डे के कलेक्शंस थे वो रहे मात्र 8 करोड़ 1 लाख रुपए के। वहीं अपने तीसरे दिन इस फिल्म ने कमाए 8 करोड़ 10 लाख रुपए। शुरुआत के 3 दिनों में लगभग 28 करोड़ की कमाई करने के बाद इस फिल्म के जो चौथे दिन के कलेक्शंस थे उसमें काफी बड़ी ड्रॉप देखी गई और इस फिल्म ने अपने फोर्थ डे में कमाए 2 करोड़ 75 लाख रुपए, फिफ्थ डे में कमाए 2 करोड़ 40 लाख रुपए। वहीं अपने सिक्स्थ डे में इस फिल्म ने कमाए लगभग 2 करोड़ रुपए। आज दोस्तों इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7th डे है और आज के भी इस फिल्म के जो कलेक्शंस है उसमें काफी ड्रॉप देखी जा रही है। यही वजह है दोस्तों कि यह फिल्म अपने 7वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमा रही है। इस तरह से इस फिल्म का जो पहले हफ्ते का टोटल कलेक्शन होगा वो हो चुका होगा लगभग 37 करोड़ 40 लाख रुपए का। वहीं अगर बात करें इस फिल्म की हम लोग वर्ल्ड वाइड की, तो दोस्तों ओवरसीज से इस फिल्म ने कमाया है लगभग 8.5 करोड़ रुपए। वहीं ऑल इंडिया ग्रॉस पर यह फिल्म लगभग 44 करोड़ की कमाई कर चुकी है। इस तरह से इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 52 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है और 60 करोड़ के बजट से बनने वाली यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर फिल्म साबित हुई है। बात की जाए दोस्तों अब यहाँ पर सुपरस्टार अक्षय कुमार की ब्लॉकबस्टर फिल्म गुड न्यूज के 7 हफ्तों के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार की ये फिल्म एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी जिसका डायरेक्शन किया था राज मेहता ने। यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 27 दिसंबर को रिलीज हुई थी और अभी तक बॉक्स ऑफिस पर चल रही है। इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार के अलावा ब्यूटीफुल करीना कपूर खान, कियारा आडवाणी और दिलजीत दोसांझ नजर आए थे। वहीं दोस्तों इस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस था धर्मा। अब अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3100 स्क्रीन्स पर ही रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो 17 करोड़ 56 लाख रुपए की धमाकेदार कमाई करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। अपने शुरुआती 3 दिनों में दोस्तों इस फिल्म ने लगभग 65 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जो कि अक्षय कुमार सर के कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट विकेट हासिल करने वाली फिल्म बनी। पहले हफ्ते में दोस्तों इस फिल्म ने काफी अच्छा होल्ड किया और कमाई लगभग 127 करोड़ 90 लाख रुपए, जिसमें दोस्तों इस फिल्म ने दबंग 3 के फर्स्ट वीक कलेक्शन को भी पीछे कर दिया और सलमान खान को एक बार फिर से अक्षय कुमार ने धूल चटा दी। अब यहाँ पर बात की जाए इस फिल्म के सेकंड वीक की, तो दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिले हुए काफी अच्छे रिव्यूज के बाद इस फिल्म ने अपने सेकंड वीक में कमाए 53 करोड़ 46 लाख रुपए, थर्ड वीक में कमाए लगभग 15 करोड़ 74 लाख रुपए, जबकि दोस्तों थर्ड वीक में तानाजी जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज हो चुकी थी। फोर्थ वीक में भी दोस्तों इस फिल्म ने लगभग 6 करोड़ रुपए कमाए, वहीं अपने फिफ्थ वीक में कमाए 1 करोड़ 50 लाख रुपए। सिक्स्थ वीक में दोस्तों इस फिल्म के जो कलेक्शन थे वो रहे लगभग 50 लाख रुपए के। वहीं अपने 7th वीक में दोस्तों इस फिल्म ने कमाए हैं लगभग 16 लाख रुपए। इस तरह से इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन होता है वो लगभग 206 करोड़ रुपए का हो जाता है। वहीं अगर बात करें हम लोग इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों ओवरसीज से इस फिल्म ने कमाए हैं लगभग 75 करोड़ रुपए। वहीं ऑल इंडिया ग्रॉस पर इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो होता है 244 करोड़ रुपए का। इस तरह से सुपरस्टार अक्षय कुमार सर की यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 319 करोड़ की कमाई के उनके कैरियर की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म बनी है और हाउसफुल 4 और मिशन मंगल के रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ऊपर आ चुकी है। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म का बजट मात्र 60 करोड़ रुपए का था। इस तरह से यह फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। बात की जाए दोस्तों अब यहां पर फिल्म तानाजी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में,
तो दोस्तों तानाजी को भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 जनवरी को रिलीज किया गया था, जो कि एक बायोग्राफिकल एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन सर, सैफ अली खान और काजोल मैम नजर आई थी। वहीं इस फिल्म का डायरेक्शन किया है ओम रावत ने। बताते चलो दोस्तों आपको कि इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3,880 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो 15,10,00,000 रुपए की धमाकेदार ओपनिंग ली। बाद में दोस्तों इस फिल्म को भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में लगभग 118,91,00,000 रुपए कमाए, जो कि सलमान खान की फिल्म दबंग 3 के फर्स्ट वीक कलेक्शन से ज्यादा था। बाद में दोस्तों इस फिल्म ने अपने सेकंड वीक में भी काफी अच्छा होल्ड किया और सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज के सेकंड वीक कलेक्शन को पीछे करते हुए कमाए 78,54,00,000 रुपए। तीसरे हफ्ते में दोस्तों इस फिल्म ने कमाए 40,42,00,000 रुपए। वहीं अपने चौथे हफ्ते में कमाए 21,65,00,000 रुपए। पांचवे हफ्ते के कलेक्शंस की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म के जो पांचवे हफ्ते के कलेक्शंस थे वो उरी और बाहुबली 2 के बाद सबसे ज्यादा रहे और इस फिल्म ने कमाए 10,41,00,000 रुपए। वहीं दोस्तों ये इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर छठा हफ्ता चल रहा है, जहां पर यह फिल्म लगभग 6 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। इस तरह से इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 275 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग ओवरसीज की, तो दोस्तों ओवरसीज से इस फिल्म ने लगभग 36 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इस तरह से वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार अजय देवगन की यह फिल्म 365 करोड़ की कमाई के साथ एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। दोस्तों बता दें आपको कि इन सभी फिल्मों में सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म गुड न्यूज, अजय देवगन सर की फिल्म तानाजी और आदित्य रॉय कपूर की फिल्म मलंग इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है, बाकी सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है। आपको दोस्तों इन सभी फिल्मों में कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।